अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स इंटर पार्ट वन चैप्टर नंबर फोर इक्वेशंस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री और उसमें आज हम सीखेंगे रेडिकल इक्वेशंस सबसे पहले आप रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए उसके बाद इसमें रेडिकल इक्वेशन की जो टाइप वन है उसे हम आज सीखेंगे देखिए क्या डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन की रेडिकल इक्वेशंस, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। ऐसी वो तमाम इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ रहा हो इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस। ये उसमें टाइप नंबर वन है रेडिकल इक्वेशन में ये फॉर्म आज हमने सीखनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एल ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस एम एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्ल टू ज़ीरो और इस पर आ रहा है स्क्यर रूट इसे सॉल्व करने के लिए हमारा स्टेप वन ये होगा कि जो भी स्क्यर रूट के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है उसे हमने बायस पोज कर लेना है और इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है कॉमन पार्ट है जी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इस कॉमन पार्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन पार्ट की जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी एल वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो यानी ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन किस में y में स्टेप नंबर टू होगा सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द टू वैल्यूज ऑफ y हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और उन वाई की वैल्यूज़ को यहाँ स्केयर रूट वाले पार्ट के अंदर पुट करेंगे और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यूज से और इसमें एक चीज़ बड़ी अहम बात है नोट इफ़ एनी और बोथ वैल्यूज़ ऑफ वाई आर नेगेटिव अगर वाई की एक या दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हुई देन वी रिजेक्ट दोज वैल्यूज़ बिकॉज वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ़ एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्योंकि ये जो स्केयर रूट के अंदर पार्ट होगा ये हमेशा क्या आएगा नॉन नेगेटिव आएगा तो जहाँ पर y की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी ना वहाँ पर हमें मिलेंगे एक्सट्रीनियस रूट्स एक्सट्रीनियस रूट्स ये होते हैं जो आते इक्वेशन में से हैं लेकिन वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते उन इक्वेशंस को उन रूट्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीनियस रूट्स और ये उस वक्त आते हैं जब आप किसी भी इक्वेशन का सुकेयर करते हैं अब आप देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है दूसरा क्वाड्रेटिक बगैर रेडिकल के है जो रेडिकल साइन वाला क्वाड्रेटिक है उसे आपने वाइस्पोज करना है इसके बाद जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर एक्सट्रीनियस रूट्स आ जाएंगे वो ऐसे रूट्स आएंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे देखें जैसे मैं लिखता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू वन अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लूँ तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन एक्स स्क्र माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से स्टूडेंट एक्स की एक वैल्यू वन आ जाएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू इसमें माइनस वन आ जाएगी अब आप देखिए एक्स इज इक्वल टू वन तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वन इज इक्वल टू वन लेकिन ये जो एक्स की वैल्यू माइनस वन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी इस रूट को हम बोलेंगे एक्सट्रीनियस रूट कि आया ये इक्वेशन में से है लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा और ये उस वक्त आता है जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुकेयर करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स आ जाते हैं तो आइए एग्जांपल्स के ज़रिए से समझते हैं कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन में जो टाइप वन के क्वेश्चन हैं वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल है जी हमारे पास एग्जाम्पल वन पेज है वन फोटी सेवन थ्री एक्स स्क्टीन एक्स माइनस का टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू ये इक्वेशन दी गई है अब इसकी पहचान ये थी कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रेडिकल साइन के साथ और दूसरा क्वाड्रेटिक बगैर रेडिकल के अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों से थ्री कॉमन ले लूँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज़ एक टू टू स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रेडिकल साइन के साथ दूसरा बग़ैर रेडिकल के और देखिए जो रेडिकल साइन के साथ है उसे आपने वाई पुट करना है और इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है जैसे यहाँ और यहाँ ये यह जो कॉमन पार्ट आ रहा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो आप इसमें स्टेप वन है लेट कीजिए एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज़ टू वाई अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू तो वाई स्क्र और एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू तो वाई स्क्यर माइनस वन इसमें वैल्यू स्पोर्ट कर दें थ्री कॉमन पार्ट आया है जी एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स और उसकी वैल्यू है वाई स्क्र माइनस वन माइनस तो, टू इस सारे को हमने नाम रखा था वाई का ज इक्वल टू टू थ्री बाई स्केयर माइनस थ्री माइनस टू बाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो थ्री बाई स्केयर माइनस टू बाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो अब ये स्टूडेंट हमारे पास बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम फैक्टर बना सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड आप करना चाहें इसमें थ्री बाई स्क्र प्लस का थ्री बाई माइनस फाइव वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो मिडल टर्म मैंने ब्रेक की है थ्री माइनस फाइव से आंसर हमें माइनस टू मिल जाएगा अगर हम यहाँ से थ्री बाई कामन ले लें वाई प्लस वन माइनस फाइव कॉमन लें वाई प्लस वन इज़ इक्ल टू ज़ीरो फिर अगर हम y प्लस वन कामन लेते हैं थ्री बाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो तो वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो वाई इज़ इक्वल टू माइनस वन थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव वाई इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री स्टूडेंट्स हमने स्टेप टू सॉल्व कर लिया है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द टू वैल्यूज ऑफ वाई इन वैल्यूज़ ये वाई की दो वैल्यूज़ आ गई इसे हमने पुट करना है इसमें यानी जो हमने नाम इससे रख दें इक्वेशन नंबर वन का जी यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस फाइफ एक्स प्लस वन स्क्र रूट इज इक्वल टू माइनस वन फिर एक्स स्क्र प्लस फाइफ एक्स प्लस वन स्क्यर रूट और फाइफ बाई थ्री मैंने आपसे कहा था कि जब भी y की वैल्यूज़ में इफ़ एनी और बोथ वैल्यूज़ ऑफ y इफ़ एनी और बोथ वैल्यूज़ ऑफ़ y आर नेगेटिव दैन वई रिजेक्ट दोज़ वैल्यूज़ आपने इन्हें रिजेक्ट करना है कि उनसे इनसे आपको एक्सट्रीनियस रूट्स मिलेंगे आप इसे सॉल्व करके एक्सट्रीनियस रूट भी उसे बता दीजिए कि वो कौन से हैं ये बाई की वैल्यू नेगेटिव आई है इससे हमें जो भी रूट्स मिलेंगे वो एक्सट्रीनियस होंगे तो एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज़ टू वन एक्स प्लस फाइव एक्स इज टू ज़ीरो फिर x कॉमन लेंगे x प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव और x इज इक्वल टू माइनस फाइव इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है एक्सट्रीनियस रूट्स जी यहाँ पर अगर आप स्क्र करते हैं तो एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओवर नाइन और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो नाइन एक्स स्क्र प्लस का फोर्टी फाइफ एक्स प्लस नाइन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फिर नाइन एक्स स्क्र प्लस का फोटी फाइव एक्स माइनस सिक्सटीन इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये हमारे पास आ गई है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसमें हमने वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मा लगाएं फैक्टराइजेशन करें देखें इसमें अगर हम नाइन को मल्टीप्लाई करते हैं जी सिक्सटीन से अब इन दोनों की प्रोडक्ट से हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे हमें प्लस का फोर्टी फाइव भी मिले तो इसके लिए थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री फोर मल्टीप्लाई बाय फोर इस सिक्सटीन को फोर मल्टीप्लाई बाय फोर फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन सिक्सटीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट और फोर्टी एट और थ्री से हमें फोर्टी फाइव भी मिल जाएगा तो आप इसको इस तरह लिखिए नाइन एक्स स्क्र माइनस का थ्री एक्स प्लस का फोर्टी एट एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम यहाँ से थ्री एक्स ले लें तो ये रह जाएगा थ्री एक्स माइनस का वन और सिक्सटीन अगर कॉमन लें तो थ्री एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो फिर थ्री एक्स माइनस वन अगर हम कॉमन लेते हैं तो थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से थ्री एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन इज़ इक्ल टू ज़ीरो थ्री एक्स इज़ इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री थ्री एक्स इज एक टू माइनस सिक्सटीन एक्स इज एक टू माइनस सिक्सटीन ओवर थ्री अब ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं आप इन्हें सोलूशन सेट में लिखेंगे सोलूशन सेट इज़ वन बाई थ्री माइनस सिक्सटीन ओवर थ्री ये जो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स आए हैं इन्हें आपने सोलूशन सेट में नहीं लिखना और ये कब आएंगे जब कोई y की वैल्यू जो है एक या दोनों वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी नेगेटिव उस पार्ट को आपने सॉल्व करके जो भी रूट्स आएंगे वो एक्सट्रीनियस लिखने हैं और उसके अलावा जो पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे उन रूट्स को हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में तो रेडिकल इक्वेशन की स्टूडेंट्स आज हमने टाइप वन सीखी है कि किस तरह हम सॉल्व करेंगे दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के साथ है दूसरा क्वाड्रेटिक बगैर स्क्वायर रूट के क्वाड्रेटिक वाले को आपने वाई स्पोज करके जो कॉमन पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है वाई में फिर y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की जहां y की वैल्यू नेगेटिव आएगी वहां पर आपके रूट्स के आ जाएंगे एक्सट्रीनियस और जहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसे आपने सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट में लिखना है आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो